सब्सक्राइब कीजिए डाटा सानू हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी बटन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन में। आप देख रहे हैं डेटा सानू हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं आज लेकर आया हूँ रेडमी नोट 5 के बारे में, जो अभी अभी लॉन्च तो नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे लीक आ चुका है वो स्मार्टफोन के बारे में। पहले बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तभी मैं जब भी नोटिफिकेशन वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस स्मार्टफोन के बारे में मैं बताऊँगा मेरे इंट्रो के। जैसे कि आपको पता होगा, रेडमी बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे अच्छी चीज़ें देता है। रेडमी नोट 4 जो अभी इंडिया का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन मैं मानता हूँ बजट सेगमेंट में। यहाँ पर रेडमी नोट 5 भी लीकेज बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन के मैं आपको बता दूँ, ये स्मार्टफोन होने वाला है 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ। और यहाँ पर आपको फुल मेटल यूनिबॉडी मिलेगा, जो ऊपर के साइड बेजल आपको रेडमी नोट 4 में मिला था प्लास्टिक, लेकिन इस पर आपको फुल मेटल बॉडी मिलेगा। इतना मतलब एक मेटल पूरा फोन में यूज किया जाएगा। ये स्मार्टफोन में आपको 3 GB 32 GB के रैम और इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और दूसरा है 4 GB 64 GB। मेरे हिसाब से हमेशा हमेशा रेडमी के नोट सीरीज में आपको 9,999 या 10,000 से 11,000-12,000 रुपये तक ये जाएगा, 13,000 रुपये तक। इससे आगे तो रेडमी नोट 4 भी नहीं गया, ये भी मुझे नहीं लगता। रेडमी नोट 3 रेडमी नोट 4 जैसा था ये बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो, स्क्रीन का रेशियो जो आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो तकरीबन 80% से ज़्यादा मिलेगा। जो जो आजकल आप देख रहे हैं इन्फिनिटी डिस्प्ले का ट्रेंड चला हुआ है, ये स्मार्टफोन के भी अब ऐसा मिलेगा। ये स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड नुगा के पर चलेगा। 16 और 5 MP का कैमरा है। रियर कैमरा में आपको फ्रंट 13 MP मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो जो 16 और 5 MP है वो कलर प्लस कलर सेंसर है। मेरे हिसाब से RGB प्लस मोनोक्रोम देते तो बेटर होता, लेकिन जब लॉन्च होगा तो अगर RGB मोनोक्रोम होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी के साथ, जो ये अब देखते हैं रेडमी के नोट के सारे सीरीज होते हैं यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन ये स्मार्टफोन के आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि ये स्मार्टफोन पर आ रहा है USB Type-C का चार्जिंग। लेकिन MIUI में भी आपको यहाँ पर USB Type-C है लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये स्मार्टफोन को मिल सकता है क्योंकि 4000 mAh का बड़ा बैटरी है। या पर आपको स्नैपड्रैगन 630 या स्नैपड्रैगन 660 ये दोनों के साथ आ सकता है। या पर आपको GPU मिलेगा 508 GPU एड्रिनो। तो देखते हैं ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा कैसे परफॉर्म करता है। मुझे लगता है ये स्मार्टफोन बहुत ही किलर फोन होने वाला है 12 से 13 हज़ार रुपये के बारे में। आपको पता होगा रेडमी नोट 4 तो पहले 12-13 हज़ार रुपये में सबसे बेस्ट था, अभी आ गया है 10 और G सबसे बेस्ट चल रहा है। लेकिन ये स्मार्टफोन अगर 12 से 13 हज़ार रुपये में MI लॉन्च करता है तो ये स्मार्टफोन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जब लॉन्च होगा मैं आपको फिर से ये स्मार्टफोन को खरीदने लायक है या नहीं बहुत सारे कंपैरिजन के साथ आऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, हो सके तो आपके फ्रेंड्स से ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आगे से मैं नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, क्योंकि मैं नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करूँगा आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।